के बहुत ही अहम सवालात जो कि मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स स्पेशल सब इंस्पेक्टर और बाकी तमाम असिस्टेंट, और अभी एक पेपर रहता है नायब तहसीलदार का, जिसमें एक पेपर पूरा ही जो है वो जनरल नॉलेज का होना है, जिसमें ये क्वेश्चन आपको बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग रशियन ऑयल एंड गैस कंपनी विच प्रोवाइड ऑयल एंड गैस टू यूरोपियन कंट्रीज। ऑप्शन नंबर ए है बी एस जी ओ कंपनी, गैस प्रोम कंपनी, गैस्टापो कंपनी, फिलिप्स ऑयल एंड गैस कंपनी। तो करेक्ट ऑप्शन है गैस प्रोम कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट, वेनस, अर्थ, मार्स या जुपिटर। तो करेक्ट ऑप्शन है जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द मेन रीज़न ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एरियल शेरोन फॉर ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल। तो इसके करेक्ट ऑप्शन है इलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल्स ऑफ ब्लड कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू हार्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू सीज लिंक्ड बाय सुइज कनाल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी, यानी सुइज कनाल किन दो सीज को आपस में कनेक्ट करता है। तो ये था मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिगो गार्शिया इज ए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री बेसिस इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर यूरोपियन रूलर्स कैप्चर्ड फलस्तीन फ्रॉम द मुस्लिम्स इन क्रोसेड वॉर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था 1099, यानी 1099 में क्रोसेड वॉर में उन्होंने कब्जा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रेमलिन। तो क्रेमलिन का करेक्ट ऑप्शन था ऑफिस ऑफ रशियन गवर्नमेंट, यानी ये जो क्रेमलिन है ये असल में टर्म है ऑफिस ऑफ रशियन गवर्नमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मास ऑफ द आइस ओरिजिनेटिंग इन माउंटेन्स इन स्नो फील्ड्स अबव द स्नो लाइन इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ग्लेशियर, यानी अ मास ऑफ आइस ओरिजिनेटिंग इन माउंटेन्स इन स्नो फील्ड अबव द स्नो लाइन इज कॉल्ड ग्लेशियर्स। व्हाट इज़ द डायामीटर ऑफ अर्थ, यानी ज़मीन का डायामीटर कितना है। तो इसका है 12,756 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर इसका करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 3.82 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जो हैवी वाटर है ये 3.82 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सैटेलाइट्स ऑफ सैटर्न प्लैनेट्स। तो सैटर्न प्लैनेट के कितने सैटेलाइट्स हैं या उसके कितने मून्स हैं। तो इसके 62 मून्स हैं, 62। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइड ऑफ नेचुरल डेथ, इनमें से कौन है जो कुदरती मौत में मर गया था। तो इनमें से कोई भी ना इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, राजीव गांधी, इन्हें तीनों, इन सभी को कत्ल किया गया था, ये कुदरती मौत नहीं मरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ईवी लीग। ईवी लीग क्या है, अ ग्रुप ऑफ पीपल्स इन स्विट्ज़रलैंड। तो इसका ग्रुप ऑप्शन था अ ग्रुप ऑफ पीपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन विच आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन, दिस लॉ इज कॉल्ड। तो इस लॉ को कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है लेकिन मुखालिफ सिमत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट प्रेजिडेंट ऑफ फ्रांस।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन मुझे मालूम नहीं है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू UNO, यानी पाकिस्तान का पहला एम्बेसडर जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का था वो था अहमद शाह पतरस बुखारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट द मेंबर ऑफ G8, तो ग्रुप 8 का कौन सी कंट्री उसका रुकन नहीं है, तो चाइना जो है ये G8 की मेंबर नहीं है। हेपेटाइटिस इज अ वायरल डिजीज ऑफ, हेपेटाइटिस ये किस चीज़ की बीमारी है, तो ये लीवर की है। हेपेटाइटिस इज अ डिजीज ऑफ लीवर। तालिबान मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1994 फ्रॉम विच सिटी ऑफ अफगानिस्तान, यानी तालिबान ने 1994 में किस शहर से मूवमेंट अपनी स्टार्ट की थी, तो वो था कंदहार। कंदहार शहर से तालिबान की मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी ऑफ ईरान एंड पाकिस्तान आर लिंक्ड थ्रू रेलवे लाइन, ईरान और पाकिस्तान के कौन से शहर जो हैं वो रेलवे लाइन से कनेक्ट हैं, तो पाकिस्तान का क्वेटा और ईरान का जहीदान, ये दोनों रेलवे लाइन के ज़रिए कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैफा इज द सी पोर्ट ऑफ, हैफा जो है ये इसराइल का सी पोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेड ऑफिस ऑफ यूनेस्को इज लोकेटेड इन, हेड ऑफिस ऑफ यूनेस्को जो है ये पेरिस यानी फ्रांस के अंदर, ये पेरिस का ये फ्रांस का शहर है पेरिस, उसके अंदर यूनेस्को का हेड ऑफिस मौजूद है। व्हाट इज़ द मेन काज ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का मेन रीज़न क्या होती है, तो वॉल्केनिक एक्टिविटीज, टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट और टेक्टोनिक डिसलोकेशन, ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट थे, तो ये अर्थक्वेक का वजह बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल डिवाइड टर्म इज रिलेटेड विद सोशो इकोनॉमिक डिफरेंस टेक्नोलॉजी इरा, यानी जो डिजिटल डिवाइड टर्म है ना ये सोशो इकोनॉमिक डिफरेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर ग्रीनविच मीन टाइम वाज इस्टेब्लिश्ड, तो किस साल में ग्रीनविच मीन टाइम को बनाया गया था, तो 1884 यानी 1884 में इसे तमीर किया गया था, ये बनाया गया था। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, यानी स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान बुक किस मुसन्निफ ने लिखी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है IH कुरैशी ने, IH कुरैशी ने स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान ये बुक उसने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द थर्ड फाउंडर मेंबर ऑफ ECO एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड ईरान, तो ECO का जो थर्ड मेंबर था वो था तुर्की। हाउ मैनी जीरोज आर देयर इन 1 ट्रिलियन, तो 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, तो 12 जीरो होते हैं 1 ट्रिलियन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द फर्स्ट एशियन टू हैव रिसीव्ड द नोबेल प्राइज, तो फर्स्ट एशियन था जिसने नोबेल प्राइज़ हासिल किया था वो रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें RN टैगोर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्लेस वेयर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर USA लोकेटेड, तो ये जगह, इस जगह का नाम है ग्राउंड ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमिंग 10th कॉन्फ्रेंस ऑफ ECO विल बी हेल्ड इन 2008, तो ये पाकिस्तान के अंदर हेल्ड होनी थी। व्हाट इज़ मीन्ड बाय एमिकस क्यूरी, एमिकस क्यूरी का मतलब है अ पर्सन इनवाइटेड टू एडवाइस अ लोअर कोर्ट ऑन अ मैटर ऑफ लॉ इन अ केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फिशन क्या है, एटम स्प्लिट इनटू टू मासेस, इसका करेक्ट ऑप्शन था, नेक्स्ट ऑप्शन है द मुस्लिम पीपल ऑफ सिंकियांग प्रोवेंस आर कॉल्ड, सिंकियांग प्रोवेंस के रहने वाले मुसलमानों को यूइगर कहते हैं, यूइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ क्रिश्चियनिटी दैट इम्फेसिस द अथॉरिटी ऑफ द बाइबल एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल सालवेशन थ्रू फेथ इज कॉल्ड इन इवेंगेलिकल, इज द करेक्ट ऑप्शन। लितानी रिवर इज लोकेटेड इन विच कंट्री, लिबनान, ये लितानी रिवर जो है वो लिबनान के शहर में है।
व्हाट इज इकीबाना? इकीबाना क्या है? जापानीज आर्ट ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट को इकीबाना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टापो वॉज द सीक्रेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, तो ये जर्मनी का ये सीक्रेट पुलिस है गेस्टापो। विच फ्लावर इज द नेशनल फ्लावर सिंबल ऑफ पाकिस्तान? जैस्मीन, जैसे चमेली भी कहते हैं, ये पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर है। डायबिटीज इज अ डिजीज ऑफ, तो डायबिटीज जो है ये पंक्रियाज का, पंक्रियाज की डिजीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स आर प्राइमरी कलर्स? आर जी भी आसानी से याद रखते हैं, आर से मुराद रेड, बी से मुराद ब्लू और जी से मुराद ग्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग वंडर्स ऑफ वर्ल्ड इज सिचुएटेड इन इराक? इराक के अंदर कौन सा वंडर ऑफ वर्ल्ड लोकेटेड है? तो हैंगिंग गार्डन्स इराक के अंदर मौजूद है। व्हाट इज द मेन काज ऑफ फेलियर ऑफ पाकिस्तान इंडिया ईरान गैस पाइपलाइन? इन पाकिस्तान इंडिया ईरान गैस पाइपलाइन के निकाम होने की वजह क्या थी? हाई प्राइस डिमांड बाय ईरान, तो ईरान ने बहुत ज़्यादा कीमत उसकी मुख्तस की थी, इस वजह से ये फेल हो गई थी। व्हाट इज पारिया स्टेट? पारिया स्टेट क्या? आ स्टेट विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू द वर्ल्ड एंड इज अवॉइडेड बाय एवरी कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ट्रैक टू डिप्लोमेसी यूज फॉर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था मैनेजिंग रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज यूजिंग अनऑफिशियल चैनल्स। विच इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ वर्ल्ड? तो एम्स्टरडेम स्टॉक एक्सचेंज इज द ओल्डेस्ट। पाकिस्तान स्टेट बैंक स्टार्टेड वर्किंग ऑन 1 जुलाई 1948 विद द हेल्प ऑफ रुपीज़, तो 30 मिलियन रुपीज़ के साथ पाकिस्तान स्टेट बैंक ने 1 जुलाई 1948 में स्टार्टअप लिया था। अल हिलाल न्यूज़पेपर इज़ एसोसिएटेड विद, यानी अल हिलाल न्यूज़पेपर किसने जारी किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री गेव द राइट ऑफ मोनार्ची टू वुमेन बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिसेंटली? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जापान। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंशन इज द ओल्डेस्ट? तो क्लॉक जो है ये बहुत ही पुरानी इन्वेंशन है। व्हाट इज होलोकास्ट? होलोकास्ट क्या है? किलिंग ऑफ ज्यूज ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू इज कॉल्ड होलोकास्ट। इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये आइंस्टाइन की क्वेश्चन ऑफ एनर्जी मास है, जिसमें सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट। मियोपिया इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, का जो विजन है उसे मियोपिया कहते हैं। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी? सिगमंड फ्रायड इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। Who was the first Chief Minister of Punjab Province? पंजाब प्रोवेंस का सबसे पहला चीफ मिनिस्टर था इफ्तखार हुसैन ममदूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच मुस्लिम फुटबॉल स्टार जिदैन बाय बर्थ बिलोंग टू विच मुस्लिम कंट्री? तो अल्जीरिया से बिलोंग करता है मुस्लिम फुटबॉल स्टार जिदान। व्हाट इज चोरियोग्राफी? चोरियोग्राफी क्या है? तो ये एक डांस की आर्ट है, यानी आर्ट ऑफ डांस जो है इसे हम चोरियोग्राफी भी कहते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी वाज यूज्ड इन द केस डैश फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान? तो इसका करेक्ट ऑप्शन था मौलवी तबीजुद्दीन वर्सेस स्टेट केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AWACS इज एन एब्रीविएशन ऑफ? एयरबोन वार्मिंग एंड कंट्रोल सिस्टम। AWACS इज एन एब्रीविएशन ऑफ एयरबोन वार्मिंग एंड कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज गोल्डन गेट सिचुएटेड? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सान फ्रांसिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिट डायरेक्ट टू द पर्सन डिटेनिंग अनदर एंड कमांडिंग हिम टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ द प्राइजनर एट अ सर्टेन टाइम एंड प्लेस विद द डे एंड काज ऑफ हिज कैप्शन एंड डिटेंशन इज कॉल्ड
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है व्रिट ऑफ हैबियास कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द स्टॉक मार्केट इज फॉलिंग डाउन इट इज कॉल्ड, जब स्टॉक मार्केट फॉल कर रही होती है नीचे तो उसे बियरिश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉस द इक्वेटर ट्वाइस, तो एक बार कौन सा जो रिवर है वो इक्वेटर से दो दफ़ा गुजरता है, तो वो है कॉन्गो रिवर। द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज लोकेटेड इन मनीला, एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो शॉर्ट फॉर्म है ADB। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ विच विटामिन, तो किस विटामिन की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, तो विटामिन ए की कमी की वजह से। हु इज द कंक्वायरर ऑफ सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया को किसने फतह किया था, तो कुतैबा बिन मुस्लिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ इंडिया विंस फ्रीडम, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमस बुक अ हिस्ट्री ऑफ गॉड इज रिटन बाय कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग ने हिस्ट्री ऑफ गॉड लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज सिचुएटेड बिलो द सी लेवल, यानी सी लेवल के जो नीचे मौजूद कंट्रीज हैं वो है होलैंड यानी नैदरलैंड। द स्पिरिट ऑफ इस्लाम बुक इज रिटन बाय सैयद अमीर अली ने स्पिरिट ऑफ इस्लाम बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखोरी डैम इज लोकेटेड इन, तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अखोरी डैम मौजूद है। टकला मकान डिजर्ट इज लोकेटेड इन चाइना, तो चाइना इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी टकला मकान डिजर्ट जो है ना वो चाइना के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खलील जिब्रान बिलोंग टू, तो खलील जिब्रान जो है वो लिबनान के अंदर यानी लिबनान का शहरी है। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सिचुएटेड इन, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हेडक्वार्टर कहाँ पर वाक़ है, तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर ये मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक रूलर ऑफ सब कॉन्टीनेंट डाइड वाइल पोलिंग प्लेइंग दी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है सब कॉन्टीनेंट का रूलर था वो क्या चीज़ खेलते हुए फौत हो गए, तो पोलो का दूसरा नाम है चुगान, यानी पोलो के खेल के दौरान वो हॉर्स से गिरकर फौत हो गए थे। बाबर टॉम इज सिचुएटेड इन, बाबर का जो टॉम है वो कहाँ वाक़ है, तो वो काबुल के अंदर के वाक़ है। बाबर केम टू इंडिया ओरिजिनली फ्रॉम, तो फरगाना से बाबर जो है असल में आए थे इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स टॉम इज सिचुएटेड इन सब कॉन्टीनेंट के अंदर बाबर का टॉम मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, तो राजस्थान जो है ये इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैज़ लॉन्गेस्ट टेन्योर, तो बंदरा नायक जो है उसका सबसे ज़्यादा यानी सल्तनत का टाइम रहा। हैरी पॉटर इज़ द फेमस करेक्टर ऑफ, हैरी पॉटर जो है वो किसका मशहूर करेक्टर है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जे के रोलिंग इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ DNA एज अ मेन कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन इज प्रोवाइडेड बाय सनलाइट टू द ह्यूमन बॉडी, तो विटामिन डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्जाइमर डिजीज इन ह्यूमन बीइंग कैरेक्टराइज्ड बाय द डिजनरेशन ऑफ नर्व सेल, यानी अल्जाइमर जो बीमारी है वो नर्व सेल्स की डिजनरेशन की वजह से पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन आर लोकेटेड बैंक्स ऑफ टिग्रस, तो बैंक ऑफ टिग्रस पर सुमेरियन सिविलाइजेशन की तहजीब वाक़ है। USA फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड इज लोकेटेड इन कैलिफोर्निया, हु डिफीटेड द मंगोल्स इन 14th century, तो रुकनुद्दीन बर्बर जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विष्णु, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है द प्रिजर्वर। विच इज़ द बिगेस्ट ऑयल फील्ड ऑफ इराक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है किरकुक ऑयल फील्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू यूएनओ? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है मुनीर अकरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन? तो वर्ल्ड वॉर वन में यूएसए के जो प्रेसिडेंट था वो वुड्रो विल्सन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द टोटल न्यूक्लियर एनर्जी इन पाकिस्तान आफ्टर कंप्लीटिंग द चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट टू 787 मेगावाट? दैट इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री जापान इज द करेक्ट ऑप्शन। इन विच ईयर इजिप्ट नेशनलाइज्ड? सुइस कनाल 1956। सिलिकॉन वैली इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ यूएसए? कैलिफोर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आर्मगेडन? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अ फाइनल बैटल बिटवीन नेशंस विच विल एंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलिसबरी इज द ओल्ड नेम हरारे? व्हाट इज H5N1? तो ये एक वायरस है।